संविधान में सबसे पहला संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट को साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल के संविधान में संशोधन किया? कांग्रेस ने। देश में आपातकाल लगा के लोकतंत्र का गला घोट के देश को जेल खाना बनाया? कांग्रेस ने। राजनीतिक नेताओं को जेल में ठूसा? कांग्रेस ने। इसी मीडिया पे सेंसरशिप लगाई? कांग्रेस ने। इसी देश के अंदर या क्या कहते हैं JKLF के जो वो था उनको बुला के देश में यूथ आइकन आतंकवादियों को बनाया? कांग्रेस ने। 2008 में मुंबई कांड हुआ? कांग्रेस के। रघुनाथ मंदिर पे बम ब्लास्ट हुआ? कांग्रेस के राज में। ये लोग कौन सी बात करते हैं, इनकी मानसिकता समझ में नहीं आ रही। देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया सबसे ज्यादा, और वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देश का आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने। 84 के दंगे किसने कराए? कांग्रेस ने। भोपाल गैस कांड में जो उसका मुख्य आरोपी था उसे राष्ट्रपति के जहाज से एयरपोर्ट छोड़ने वाले राजीव गांधी जी थे। यूथ, आपको ये जो अभी यहाँ इतनी भीड़ थी पब्लिक, इसमें यूथ ही था सारा, बुजुर्ग आदमी नहीं थे। यूथ को पता है वो क्या है? जो लोग देश की सेना को बलात्कारी बताते हैं कि कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, कांग्रेस, ये कन्हैया कुमार का बयान है। 36-76 हमारे CRPF के जवान जब मारे गए JNU के अंदर, इन लोगों ने जश्न मनाया। देवी दुर्गा देवी काली की नग्न मूर्तियां लगा के, नग्न फोटो लगा के इन्होंने जश्न मनाया। उन्हें इन्होंने अभद्र गालियां बकी। ये लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते थे, ये लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को अभी थप्पड़ लगा, आपने देखा वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो पार्टी में सभी गुंडे लोग हैं, मोदी जी को लग रहा है कि कन्हैया कुमार को इस तरह हरा देंगे तो कन्हैया कुमार हारने वाले नहीं है इस तरीके। कन्हैया कुमार तो बोलेगा ही, उसको थप्पड़ मारने वाला कोई मोदी का कार्यकर्ता नहीं था, कोई BJP का कार्यकर्ता नहीं, वो असली देशभक्त था जिसे पता था ये आज लोकतंत्र को मजाक बना रखा है अपने फायदे के लिए। जिस तरह से कानून को या लोकतंत्र को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, वो उस देशभक्त का दर्द था जो उसने उसके गाल पे लगाया। आप सही मानते हैं उसको? देखिए कानून के मुताबिक देखा जाए तो चीजें गलत हैं, लेकिन भावनाओं पे काबू, अगर आप किसी को गाली देंगे, कोई भारत माता को गाली देगा, मेरे सामने कोई भारत माता को गाली दे तो मैं क्या देखूंगा? मैं कोर्ट में जाके या पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाऊंगा? भारत माता कौन है? इस देश में देवी को, धरती को, नदी को, गाय तक को पूजा जाता है। उस देश में अगर कोई गाली देगा हमारी माँ को तो हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब? दिल्ली की बात करें, 7 लोकसभा है, कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट भी मैदान में है, तो क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। केजरीवाल कह रहे नहीं होने देंगे। अरे केजरीवाल क्या करेगा इसमें? केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। 400 पार उसके हाथ में तो 7 के 7 हम पे आएगी। एक बात बताओ, वो उसको दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही है, वो क्या देश संभालेगा? आप एक बात बताओ, सोचने वाली बात ये, दिल्ली नहीं संभाल रही उस पर। दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया। गुस्सा दिल्ली के लोगों में नहीं है, उसके अंदर गुस्सा है। दिल्ली के अंदर गुस्सा नहीं है, दिल्ली वालों को तो सब पता चल गया, उसकी सब पोल पट्टी खुल चुकी है सारा। हाँ सब खुल चुका है उसका, अब उसका जो ना जादू चलने वाला नहीं है यहाँ पर। पर जिसको रोक, आप एक देखिए, देश के अंदर अगर 4 करोड़ मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वो कैसे बने? किसी ने तो बनाए थे। इस देश में जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इनमें कोई इंजीनियर, टेक्नीशियन, लेबर सभी लोग काम कर रहे हैं ना, वो कोई हवा में तो बन नहीं रहे, रोजगारी मिल रहा है ना। इस देश में अगर 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट आज की डेट में काम कर रहे हैं, तो वो जो 50 एयरपोर्ट से हम 150 पे पहुँचे, तो वो जो 170 एयरपोर्ट एक्स्ट्रा बने उस पर भी लोगों ने बनाया, जो एम्स बने उन्हें भी लोगों ने बनाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में खड़ा हो रहा है वो लोग ही काम कर रहे हैं ना, ये तो हवाबाजी कर रहे हैं। रोजगार केजरीवाल जी, रोजगार 10,000 मार्शलों को जिन्होंने रोजगार से निकाल दिया, जिन्होंने सिविल डिफेंस के नाम भर्ती किया, केजरीवाल जी क्यों नहीं करते परमानेंट? अभी कुछ ही दिन पहले अमित शाह जी ने NDMC के अंदर 4,450 लोगों को परमानेंट किया है। केजरीवाल जी के स्कूलों में टीचर नहीं है, केजरीवाल जी के स्कूल में 8-8 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, केजरीवाल के प्रशासन में DTC के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम आए तो 140 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष भारत, आयुष्मान भारत, तो केजरीवाल जी लागू कर दें उसे, स्वास्थ्य की योजना है ना वो भी। जो आदमी देश में सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, इस देश में लोकतंत्र है और देश में सरकार चलाने के लिए 272 MP चाहिए। जो आदमी लड़ी 22 सीटों पर चुनाव रहा है, वो देश को वरगला रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। हाँ वो उनका जिन, ये किसके साथ गठबंधन कर रहा है? कांग्रेस के साथ। इस देश में संविधान में सबसे पहला संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट को साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल के संविधान में संशोधन किया? कांग्रेस ने। देश में आपातकाल लगा के लोकतंत्र का गला घोट के देश को जेल खाना बनाया? कांग्रेस ने। राजनीतिक नेताओं को जेल में ठूसा? कांग्रेस ने। इसी मीडिया पे सेंसरशिप लगाई? कांग्रेस ने। इसी देश के अंदर या क्या कहते हैं JKLF के जो वो था उनको बुला के देश में यूथ आइकन आतंकवादियों को बनाया? कांग्रेस ने। 2008 में मुंबई कांड हुआ? कांग्रेस के। रघुनाथ मंदिर पे बम ब्लास्ट हुआ? कांग्रेस के राज में। ये लोग कौन सी बात करते हैं, इनकी मानसिकता समझ में नहीं आ रही। देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया सबसे ज्यादा, और वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देश का आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने। 84 के दंगे किसने कराए? कांग्रेस ने।
भोपाल गैस कांड में जो उसका मुख्य आरोपी था उसे राष्ट्रपति के जहाज से एयरपोर्ट छोड़ने वाले राजीव गांधी जी थे। इस देश के अंदर घोटाले सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किए, आप उठा के देख लीजिए। देश आजाद हुआ तब से लेके जब तक इनकी सरकार गई 2014 तक, जीप घोटाले से लेके शहीदों के फ्लैट बंबई में, आदर्श घोटाले में ये लोग खा गए। साथ मोदी जी को बता जा रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर आप जुर्म कर रहे हैं और आप जेल जा रहे हो, अगर डिक्टेटरशिप है तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। अगर जो नेता हाईवे बना रहा है, जो नेता हमारे बच्चों को सुरक्षित कर रहा है, आप कभी सोच सकते थे यूपी जैसे एरिया में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का कुछ काम हो, ये कभी जेल जाएंगे? राहुल गांधी बेल पे हैं, केजरीवाल बेल पे हैं, ये बेल पे और जेल से और पैरोल पे चलाने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है ना, मोदी जी ने तो नहीं पकड़ा, इनकी रिमांड पकड़ा जेल में डाल दिया पुलिस ने। ईडी तो उन्हीं के हाथ में, सीबीआई तो उन्हीं के हाथ में है ना। आप, मैं बताता हूँ, ये मीडिया में ही सबका, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के शासनकाल में कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी ना, क्योंकि उस जमाने में जिस मर्जी को उठा के जेल में डाल रहे थे। यही साध्वी प्रज्ञा सिंह है जिसे मालेगांव का ब्लास्ट का मुख्य आरोपी बताया, जो कोर्ट में चार्जशीट इन्होंने लगाई, सबूत इन्होंने, हमने तो कुछ नहीं किया बीजेपी, लेकिन कोर्ट से बरी हुई क्योंकि चार्जशीट झूठी थी, सबूत झूठे थे। एक कर्नल को, जो सेना का जो कर्नल होता है उसकी जिंदगी बीत जाती है इस पद पे पहुंचने के लिए, उसे उन्होंने आतंकवादी बता दिया। यही सोनिया गांधी है जो बाटला एनकाउंटर में आतंकवादियों पे मारे जाने पे रोती थी। नहीं है फिर ऐसा कह रहे हो? पर कहा तो यही जाता है ना कि ऑटो वाले साथ थे। हम तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी वोट देते हम तो। केजरीवाल को क्यों नहीं नहीं देते उसे? केजरीवाल बेकार आदमी, धोखाधड़ी बारो 45 करोड़ का मकान बना लिया, यहाँ क्या दे दिया? क्या दिया? बिजली फ्री, पानी फ्री, और क्या चाहिए? बिजली बिल दे रहे किराएदारों को, क्या किराएदारों को क्या फ्री है बताओ? क्या फ्री बताओ? मोहल्ला क्लिनिक में जाइए इलाज कराइए, मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ क्या है? 500 का इंजेक्शन है ही ना, ऐसी सरकारी दवाई तो मेडिकल से ले लो। मोदी ने क्या, मोदी ने, मोदी ने करा कुछ नहीं, देश के लिए बढ़िया कर रहा हूँ, करा कुछ नहीं देश के लिए, देश के और कहा चाहिए? अरे देश के लिए बहुतेरा अच्छा कर रहा है वो, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना भाई, हमने कह दी। राहुल गांधी कह रहे थे इस गड्ढे में डाल दिया, राहुल गांधी तो गए, बाकी सब गए, किसी के नाम मत लो, जय श्री राम बोलो और मोदी को लाओ। क्या राहुल गांधी का नाम ले, केजरीवाल का नाम ले? ना राहुल गांधी ना केजरीवाल, मोदी। क्यों मोदी? मोदी योगी। हाँ, इसके अलावा देश में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कोई नहीं है, चोर हैं सब। हाँ, कैसे चोर हैं? चोर हैं, हम प्रॉपर अमेठी के रहने वाले हैं, तब भी बता रहे हैं कि अमेठी के चोर हैं। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में बताइए, दिल्ली में सातों सीट पे भाजपा आ रही है और क्या है? केजरीवाल कह रहे हैं सफाया कर देंगे, अपना खुद झाड़ू से साफ हो गए, अब कसर नहीं है। सपना देखेगा वो नहीं, अब तो बाहर है वो। नहीं तो 2 तारीख को जा रहे हैं अंदर, 2 तारीख को जा रहे हैं अंदर, कह रहे हैं अंदर जाऊंगा तो मोदी जी को हरा के। अरे नहीं नहीं, इस जन्म में नहीं होगा, अब उससे इस जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। यहाँ 2 ठेके थे, आज 14 ठेका है यहाँ, यही फायदा हुआ है केजरीवाल। 400 पार देश को सुरक्षित हाथों में देना है, मोदी जी को 400 पार कराना है।